तहसील के खापा थाना अंतर्गत घटित मानवता व पवित्र प्रेम भाव को शर्मसार करने वाली घटना उजागर होने तथा घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने रात करीब 11:30 को खापा थाना पहुंचे पीड़िता व उसके परिवार को सुबह तक बैठा कर रख नाम मात्र मामला दर्ज कराए जाने की खबर जब नगर वासियों को लगते ही खापा शहर के सभी समाजसेवी व्यापारी और आम नागरिकों में रोष व्याप्त होकर पीड़िता को न्याय दिलाने हेतु हर कोई खापा थाना पहुंचने लगा और देखते ही देखते खापा थाना परिसर में भीड़ बढ़ने लगी और मामला दर्ज कराने में की गई देरी व संदेहास्पद कार्यवाही के प्रति रोष व्याप्त कर उक्त मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारी से कराए जाने पर संतप्त भीड़ अड़ी रही। घटना की जानकारी वरिष्ठ आला अधिकारियों को लगते ही उप विभागीय पुलिस अधिकारी अजय चांदखेड़े पीड़ित परिवार और संतप्त परिजनों को आश्वस्त कराते हुए उक्त मामले की जांच सामने थानेदार रविन्द्र मानकर को दी। घटना की गंभीरता देख नागपुर जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार ने भी खापा पुलिस स्टेशन पहुंच पीड़ित परिवार और समाज सेवियों से बात कर मामले में पारदर्शक और निष्पक्ष कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर उपस्थित समाज सेवी परिजनों ने थानेदार मनोज खड़से की कार्यप्रणाली मामला दर्ज करने में जानबूझकर कराई गई देरी पीड़ित परिवार के साथ अपराधियों जैसे व्यवहार आदि की जांच के साथ पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग के साथ साथ उक्त मामला जलदगति न्यायालय में चलाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसे घिनौने कृत्य की पुनरावृत्ति ना हो। वहीं मामले की जांच में तेजी लाते हुए सामने थानेदार रविंद्र मानकर और नागपुर अपराध शाखा के अधिकारी कर्मचारियों ने धीरज हेवरकर वेदांत आफते गोलू लिखार विकास हेड़ाऊ लक्की धार्मिक एवं एक अन्य को हिरासत में लेकर सेशन कोर्ट नागपुर पेश कर 3 दिवसीय पुलिस रिमांड प्राप्त कर मामले की जांच में तेजी लाकर अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत है। उक्त घटना में लिप्त अपराधी युवक सम्राट व रसूखदार परिवारों से होने से पीड़िता और उनके परिवार की जीविता को धोखा होने की बात दबी आवाज में की जा रही है। मांग यानी यही है कि एक बच्ची का पिता होने के नाते मेरी यही मांग है कि जो भी उस बच्ची के साथ गलत व्यवहार हुआ है यानी एकदम गलिच्छ काम हुआ है, उसको ब्लैकमेलिंग किया गया, उसके साथ गलत काम किया गया, तो आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। तो इस बहाने हमको ये भी लगेगा न्याय प्रक्रिया पे हमको पूरा भरोसा है। कुछ सालों से न्याय प्रक्रिया में इतना बदलाव हुआ है कि बलात्कारियों के साथ सीधी सीधी उनको सजा फांसी की सजा दी जाती है। तो हमारी यही मांग रहेगी कि इस केस में भी ऐसा ही कुछ हो ताकि पीड़िता के परिवार को भी पूरा पूरा न्याय मिले। मेरा ये कहना है कि पीड़िता के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है उस विषय में गांव के लोग संतप्त है, वातावरण बराबर है नहीं, इसलिए शासन ने मुख्य भूमिका निभा के, शासन के अधिकारी वर्ग ने मुख्य भूमिका निभा के इस विषय पे विशिष्ट ध्यान दे के योग्य कार्रवाई करके पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। पीड़िता को अगर न्याय नहीं मिला तो हम सब गांव के नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, व्यापारी वर्ग और इतर समाज लोगों ने ये निर्णय लिया है कि गाँव में हम बंद का ऐलान करेंगे, आंदोलन करेंगे, जब तक उसको न्याय नहीं मिलता तब तक हम आंदोलन करेंगे, ये हमारी भूमिका रहेंगी। हाँ, खरंच समाजात अशा घटना होणं ह्या खरंच निंदनीय आहे आणि अशा घटनेमध्ये जे आरोपी असेल त्यांना कडीशी कडी कायदेशीर शिक्षा झालेली पाहिजे आणि मी या गोष्टीचा जाहीर निषेध करतो। हमारे गाव में ये जो घटना घटी है ये बहुत ही दुर्दैवी है, दुखद है और जिस परिवार के साथ ये हुआ वो बच्ची इतनी सदमे में थी कि वो कुछ बताने को भी तैयार नहीं थी, मगर सब गांव के नागरिक, अपने व्यापारी वर्ग, अपने दोस्त लोग सब मिलके उनको पूछे, क्योंकि बाहर से ऐसा मालूम पड़ा कि लड़की के साथ बहुत गलत काम हुआ और उसको ब्लैकमेलिंग करके उसका फोटो वायरल करने की धमकी देके उससे जबरन मुझे शारीरिक संबंध भी किया है, उसको इतना टॉर्चर किया ब्लैकमेलिंग करके कि उसका जीना मुश्किल कर दिया, यहाँ तक कि 2 बार उसने सुसाइड करने का भी प्रयत्न किया, मगर वो लड़की के माँ बाप के ध्यान में आया तो वो बच गई। और फिर जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो लड़की इतनी मुझे डिप्रेशन में थी कि वो कुछ बताने को तैयार नहीं थी। अभी गुनाह दाखिल हो गया है, हमारी मांग यही है कि जितने भी आरोपी है इसमें, जिसने भी ये कृत्य किया है, उन सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी सजा अगर नहीं होता है तो हम 1 दिन का जाहिर निषेध करके गांव का व्यापारी वर्ग सब समर्थन देंगे और मार्केट बंद करके पुलिस स्टेशन पे मोर्चा निकालेंगे। कल 26 तारीख को जब सुबह मैं काम से अपने ऑफिस गया
तो चौक में मुझे कुछ इस प्रकार की जानकारी मिली कि अपने गांव की कुछ एक नाबालिग लड़की पर कुछ नराधमों ने बहुत ही अत्याचार किया है और उसके पिताजी माँ और वो खुद जब 25 तारीख को 11:30-12 बजे रात में खापा पुलिस स्टेशन में गए तो उनको दूसरे दिन 26 तारीख को सुबह 8:33 पर कुछ उनकी FIR ली गई और वो पौने नौ बजे तक वो घर वापस गए खापा पुलिस स्टेशन से अपने घर पर खापा में। तो मुझे ताजुब हुआ कि एकदम 9:30 घंटे FIR दर्ज करने के लिए उनको पूरी रात वहाँ पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। तो मैंने फिर इसकी थोड़ी छानबीन करने की कोशिश किया कि एक्चुअल मामला है क्या। तो मैं फिर उनके माता पिता से मिला और उनसे सारी जानकारी ली तो मुझे कुछ इसमें सविस्तर में कुछ मालूम पड़ा। तो उसके लिए फिर हमने जो हमारे बाकी जो मित्र है सहयोगी है इनको लेकर हम वहाँ गए और सब देखा तो हमें वहाँ कुछ ऐसे ही दिखा कि इन्होंने कुछ तो भी एक ऐसी एक FIR बना के कुछ दबाने की। मुझे पूरा उनके कार्यप्रणाली पर संशय हुआ कि ये जो इन्होंने FIR में कुछ उनके हिसाब से लिखवाई है ये कुछ सही नहीं है। BCN पहुंचा है सावनेर तालुका के खापा पुलिस स्टेशन में। इस थाने के थानेदार जो हैं उनके ऊपर में कार्रवाई में लेट लतीफ़ी और जो फिरियादी जो यहाँ आते हैं उनके साथ में उलट सुलट रवैया अपनाने की बहुत सी बातें सुनने को मिल रही हैं। एक केस 2 दिन पहले इसी प्रकार से हुआ था, एक पीड़ित नाबालिग बच्ची के साथ कुछ युवकों ने उसके अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए, जिसकी रिपोर्ट यहाँ दर्ज हो चुकी है। लगभग उसमें दर्जन से ऊपर आरोपी हैं जिनमें कि 6 आरोपियों को पकड़ लेने की खबर भी है। देखते हैं इस केस के अंदर में क्या होता है। थानेदार से मिलने की हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन थानेदार से हमारा संपर्क हो नहीं रहा है। गांव की संतप्त भीड़ ने कहा है कि ये थानेदार इस केस को हैंडल नहीं कर सकते, इसे उचित वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाए। BCN TV के लिए किशोर ढूंढेले सावनेर। सावनेर से BCN न्यूज़ के लिए किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।